बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, नशियात और नशा एक ऐसी लानत है कि जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, वो बिल्कुल इस तरह से दिमाग की तरह ख़त्म हो रही है। जिस तरह दिमाग चाड़ जाता है किस लकड़ी को, उसी तरह ये नशा दिमाग की तरह लग गया है। और नौजवान हमारे ना सिर्फ नशा करके ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि नशे की वजह से ऐसी बुराइयाँ हो रही हैं, नशे की वजह से कत्ल हो रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी आदत है कि ये फिर मज़ीद इसमें दोस्त शामिल हो जाते हैं। जब मिलके नशा करते हैं तो हो नहीं सकता वहाँ से कोई प्रोडक्टिव चीज़ निकले, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकले। हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि नशा कत्ल का बायस बन रहा है। एक तो वो जो नशा करके कत्ल हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे की जान लेने से कतराते नहीं हैं। नशे की लत अगर लग जाए तो छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। नशे की लत इंसान को बर्बाद कर देती है। आज की दास्तान एक ऐसे ही शख्स से जुड़ी है जिसको नशे ने बर्बाद किया, बल्कि मुबैना तौर पर नशे की वजह से ही उसको कत्ल किया गया। नशे का आदी नौजवान क्यों घर में तन्हा रहता था? क्या इसका घर नशेइयों और जवारियों का अड्डा बन चुका था? क्या नौजवान ने जुए में 15 लाख रुपए जीते थे? क्या जीती हुई रकम का तकाजा करना कत्ल की वजह ठहरा? क्या किराए के कातिलों ने पहले रेकी की और फिर किया कत्ल? क्या मंशियात फरोश नौजवान को कर रहा था इस्तेमाल? क्या मंशियात फरोश पुलिस थाने में करता था मंशियात का सौदा? क्या पुलिस मंशियात फरोशों से मिली हुई है? क्या पुलिस हुकाम थानों में रिश्वत कल्चर का खात्मा ना करवा सके? इंसाफ मांगने वाला मुद्दई क्यों पुलिस से हुआ बदजन? मनशियात फरोशी से लेकर कत्लो गारत तक चौंका देने वाले हकायक बेनकाब। शाहदरा टाउन में मैं बैठा हूँ, उस घर में जिनका सपूत, जिनका जवान बेटा घर के अंदर ही कत्ल कर दिया गया, उसे सर में गोली मारी गई। ये मामला बड़ा पेचीदा सा है, क्योंकि उस रात जिस घर में वो रहता था, सारी रात बहुत सारे लोग आते और जाते रहे। वो क्या मामला था, इस घर में ऐसा क्या हो रहा था, लोगों का, उन लोगों का जो इस घर में आते रहे, क्या काम था, ये सारा हम पूछेंगे। और उसे कत्ल क्यों किया गया, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पुलिस अभी तक असल हकायक तक नहीं पहुंच सकी है। जो असल मुलजिमान है, पुलिस अभी तक उन तक भी नहीं पहुंच सकी, ना उन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बूढ़ा बाप, भाई और वालिदा, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। क्योंकि जिस घर में ये कत्ल किया गया, काशी भट्ट इसका नाम था मकतूल का, उस घर से को 2-3 घर छोड़ के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो अलग से एक रुदात पेश कर रहा है कि उस दिन उस रात क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। वो क्या है सब हम जानेंगे। मेरे साथ काशी भट्ट मकतूल, उनके वालिद भी मौजूद हैं, भाई हैं, वालदा हैं। सबसे पहले वालिद से हम बात शुरू करते हैं। मुझे ज़रा अपने बेटे के बारे में सबसे पहले बताएं। अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान करे। लेकिन को बहुत अच्छा उसके बारे में नहीं सुन पाया था। बाप या घर वाले तो कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी बुरी लत का शिकार हो जाए या बुरी कंपनी में बैठना शुरू कर दे। नशा पानी कब से करना शुरू कर दे? ये कोई 5-7 साल हो गए। यहाँ डेरे में जाता, किसी घर में ही बैठता था तो, नहीं, उससे पहले किसी डेरे में जाता था। हाँ जी, वो दूसरे घर यहाँ पर वो बेच दिया, वो बेच के हमने घर बनाया। ये शाहदरा टाउन है, आप इसी इलाके में रहते हैं काफी? हाँ जी, इस इलाके सारा जानते हैं हमें। सारे जानते हैं। यहाँ पे नशा सरेआम बिकता है? सरेआम बिकता है और पिया भी जाता है जी। आपका बेटा भी इसी तरह ही पीता था? हाँ जी, उसे भी तो किसी ने लगाया, यहाँ से ही शुरू हुआ। मुद्दई के मुताबिक शाहदरा में नशा सरेआम बिकता है, उसका बेटा भी यहीं से नशे का आदि बना था। कैसे बेटे का घर नशेइयों का अड्डा बन गया? जाहिर है आप लोग मना भी करते, रोकते टोकते हैं, लेकिन बहुत बाज नहीं आता था। अब ये जो घर है जिस घर में ये कत्ल हुआ है, इस घर में अकेला रहता था? अकेला ये घर है, इस घर में आप सब रहते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बच्चे हैं, सारा, उस घर में अकेला क्यों रहता था? हम उधर जाके आए हैं 6 साल पहले। आप उस घर में थे? कच्चे रहते थे। घर है, कच्चे रहते थे, पीता जरूर था वो। ठीक है, वो ऊपर चले जाता। क्या नशा करता था? सिगरेट पीता था? चरस सिगरेट पीता था? चरस सिगरेट पाउडर पीता था? ना पाउडर नहीं पीता था, बिल्कुल नहीं। चरस और शराब? चरस, हाँ शराब ही पी लेता कभी। उसका मैंने कहा कभी जिंदगी में ना ऐसा करना, मना किया। वो कहना नहीं मैं ये नहीं करता अबू जी, ये मैं तो, मैं वो आती थी, मैं ऊपर चले जाता और फिर सिगरेट फेंक देता था।
आपके होते हुए जब आप उस घर में थे तब से ये नशा करता था। हाँ, फिर आप लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं। वो ऐसे हुआ है ना, हम अपने आप नहीं आए इधर, वो हमारी एक शादी की है मैंने उससे छोटे बेटे की, उसकी जो बीवी है ना उसने लड़ाई शुरू कर दी उधर। वो लड़ाई का हमने उन्हें कहा कि चलो यहाँ से भागो, क्योंकि ये वजह क्या हुई थी? आपकी बहू ने भगा दिया आप सब? हाँ, हमको भगा दी। क्यों, वजह क्या? वजह ये हुई कि वो उसके उस बेटे के नाम ये सारा मकान मैंने लगा, उसी बेटे के नाम, उसी बेटे के और उसी की बेगम ने आप सबको वहां से भगा दिया। इसीलिए हमें वो निकाल के बाहर, आप सब इधर आ गए। लेकिन काशी जो मकतूल है जिसे कत्ल किया गया वो उसी घर में था। वो कहता मैंने नहीं इधर जाना, मैंने उससे अब मैं अपने माँ बाप का बदला लेके जाऊंगा। अच्छा, मैंने ऐसे जाना। वो वहीं पे रहा, वो जी रहा, मैंने नहीं आना। अच्छा, अबू जी मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। वो फोन करता था, उसको गालियां देता था। आपका वो बेटा और वो बहू वो दोनों फिर दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। वो दुबई चले गए, हमें नहीं पता काशी, बट अकेला रह जाता है आपका बेटा। हाँ, बाप के मुताबिक काशिव घर में अकेला रहता था। उसके भाई भाभी दुबई जा चुके थे। उसके नशेई दोस्तों ने खाली घर देखकर यहाँ डेरे डाल लिए। जिस घर में काशिफ के माँ बाप भाई वगैरह रहते थे अब वही घर नशेइयों की आमाजगाह बन चुका था। जाहिर है पहले तो घर बार था, घर वाले थे, अब तो बिल्कुल ही छूट दी उसे, छूट मिल गई। अब उसने ये नशा और ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, और भी लोग आगे वहाँ पे नशा करने लगे। एक साल में उसके बड़ा सिलसिला बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। रोज की बुनियाद में कितने लोग आते होंगे, क्योंकि वो तो एक गढ़ बन गया नशेइयों का। हाँ जी, जिन लोगों ने नशा करना होता था वो एक उनके लिए जन्नत बन गया वो घर के। यहाँ पे सुकून है, कोई खुली खुली जन्नत, बिजली, नल का पानी, यहाँ बैठ के नशा पानी करें। हाँ, कब से ये सारा सिलसिला हो रहा है? ये एक साल से पूरा। आपको ये लगता है की एक साल से सब कुछ हो रहा था और पुलिस वालों को मुतलका थाने को पता ना हो? पता है, सबको पता था, सब पता है, उसके बावजूद पुलिस ने नहीं रोका? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस ने पकड़ा है। मगर फिर वो देखो मैंने छुड़ा के लाया हूँ। आप छुड़ा के कैसे? छुड़ा के लाया हूँ ऐसे कि मैंने जब उधर गया हूँ मैंने कहा जी ये तो लड़ाई के चक्कर में गया था। अच्छा, इसकी मुखबरी कर रहा था वो। हाँ, पुलिस की। ठीक है, तो उसने कहा हाँ वो उधर हैं, उसने कहा हाँ बैठे हुए हैं आ जाओ। उसे पकड़े, उन्होंने इनको पकड़ लिया, पहले बेटे को पकड़ लिया, फिर आप गए, आप छुड़वा के लेकर आए। हाँ जी, कैसे छुड़वा के ले आए? ये जमानत करवाई थी, उन्होंने चलान भी किया मगर उन्होंने मुझसे 1,00,000 रुपया लिया है उधर से। 1,00,000 रुपया आपसे लिया है? हाँ जी, 1,00,000 रुपया दिया है मैंने उसको। तो नहीं बोल रहे 70, ईमान से कुरान की कसम 70,000 रुपया नगद उसको दिया। लिया 70,000 रुपये? जो जो तफ्तीश करते तफ्तीशी। हाँ जी, उसने 70,000 रुपये लिया। 70,000 रुपये मैंने दिया अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। हाँ जी, ये कब की बात है? ये मेरा 1.5 महीना हो गया, ये महीना पुरानी बात है। इधर ही शाहदरा टाउन थाने में। हाँ जी, चादर टोन था। ये गलत तो नहीं आप कह रहे? नहीं जी, मैंने दूसरा बंदा उठ के पुलिस पे ये इल्जाम लगाता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है? आप मैंने सिफारिशें भी डाली थी। बारिश आदमी है, बुजुर्ग हैं, लगता तो नहीं है कि आप कुछ गलत कह रहे? नहीं जी, गलत तो होगा ही नहीं कभी, मैं ऐसे कभी कर नहीं सकता। इंशाल्लाह तो मैं अपने बच्चों को, मेरे कोई बच्चा दूसरा सिगरेट नहीं पीता। आपके मजमूई तौर पे 1,00,000 रुपए लगा जी, उसके बाद आप अपने बेटे को घर ले आए। हाँ, वो जमानत कराई। जमानत फिर करवाई? वो कहते मैंने कहा पैसे भी ले लिए, अब छोड़ दो। कहते नहीं, चलान जरूर करने, क्योंकि हुकूमत का मेरे पर दबाव है, तो पैसे भी लेने हैं। तो मैं कहा ये तो गलत बात है। अपना मामला, अपना सिस्टम, अपने महकमे, अपने अफसरान की नजर में बिल्कुल सीधा रखा, सीधा रखा। हाँ जी, लेकिन रिश्वत भी ले रहे हैं। रिश्वत भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मुद्दई के मुताबिक पुलिस थाने में आने वाले हर शख्स से रिश्वत लेती है, चाहे वो मुद्दई हो या मुलजिम। बूढ़े बाप ने भी अपने बेटे को छुड़वाने के लिए 1 माह कब्ल रिश्वत दी, फिर जमानत करवाई थी। अभी तो कई राज बेनकाब होने बाकी हैं। आपके बेटे कुछ कहना चाह रहे हैं? आप काशी से बड़े हैं, माइक पकड़। जी। अच्छा, तो अली हसन इस इलाके में नशियात बेचता है? हाँ जी। कब से बेच रहे हैं? तकरीबन बेटा जाता था वही बताता था वो, कि उससे हर बार जब गया ना वो अली हसन उसको अंदर ही मिला। आप सब उस घर में नहीं जाते थे जहाँ काशी अकेला रहता था? आपका बेटा सिर्फ जाता था अपने चाचू से मिलने के लिए? वो भी वालदा का और वालद का पैगाम लेके जाता था। पैगाम लेके जाता था कि आके मिलो, वालदा परेशान। आपका बेटा जब भी वहाँ जाता था उसे मिलने के लिए अपने चाचा से, तो अली हसन वहाँ मौजूद होता था? हाँ जी। और उस घर से भी मनशियात बेची जाती थी? वहाँ से भी मनशियात बेची जाती थी? तकरीबन लोग आते थे वहाँ से मनशियात खरीदने के लिए जी। लोग पीते भी थे और मनशियात खरीदने भी आते थे। हाँ जी।
क्योंकि वो उसके साथ वो काम कर रहा था काफ़ी अरसे से, तकरीबन साल पहले का नहीं हमें पता, लेकिन पहले पीता था सिर्फ। जब वो उधर उसको खुली जगह मिल गई ना, तो उस वजह से वो उसको लोग ऐसे मिल गए उधर, उन्हें देखा कि अलग सा घर है, एक ही आदमी है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, इसे बकवाओ, क्योंकि उसको हर आदमी तो जानता है मोहल्ले का, ठीक है, उसकी वजह से उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। तो लड़के, उनको पीने के लिए जगह चाहिए, उनको जगह मिल गई, उसका बेचने ज़्यादा बिकने लग पड़ी। तो कोई इस तरह का मामला तो हुआ कि पीछे झगड़ा भी हुआ था उसका, उसका झगड़ा भी हुआ था, हाँ जी, वो भी पुलिस वाले ने उसको बोला था कि उसका पता करो वो लड़का कौन है, जिसका उसको बताया ना कि वो लड़का देखो वहीं है, वो देखने गया है, तो उधर जाके फ़ोन किया ना जब, तो इधर ही है, पुलिस वाले को बोला, वो कहते हैं हम आ रहे हैं। तो उनके आने से पहले ना उनका झगड़ा हो गया, वो दोनों को पकड़ के ले गए। क्या काशिफ पुलिस के लिए मुखबरी करने गया था? क्या पुलिस ने अपने ही मुखबर को पकड़ के उसके बाप से रिश्वत ली थी? नाम पता है आपको? नहीं, उसका नाम का तो नहीं पता, लड़के जवान लड़के हैं बैठे हुए, उसने मुझे बताया कि आप कह रहे मेरा बेटा कुछ नहीं करता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक पॉइंट है, आप पॉइंट बोले, वो मुझे उसने बोला कि तो आप कहते हैं मेरा बेटा आपने लड़ाई में लेके आयो, पीता जरूर है मगर अब तुम लड़ाई में लेके आयो, तो ये कहता वो कौन है, वो बाहर बैठा हुआ है, कहते मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है, मैं तो कभी देखा भी नहीं सुना भी नहीं, कहता वो है अली अली हसन, मैंने क्या पता क्या अली हसन कौन है, कौन, कहता वो 50,000 रुपया दे रहा है आपके, सौदा करा रहा है आपका, मैंने कहा भाई मैंने नहीं उसको बोला, मैंने कहा एक मिनट, मैं उसके पास गया, मैंने कहा अली साहब तुम ये दसो तुम किने गया है, तुम क्यों मैं कह रहे हो 50,000 में, कहता मेरा दोस्त है आपका बेटा काशी भट्ट, उसका दोस्त है, हाँ आपका बेटा मेरा दोस्त है, मैंने कहा भाई दोस्त है तो मुझे तो मिलो, पैसे किस चक्कर में दे रहे हो, पहले मुझे तो मिलो फिर तो सौदा करना, तो और मैंने उसको बात करके गुस्से हो गए, मैंने फिर गया किसी के पास, उसने बोला जी 1,00,000 रुपया लगेगा, एक पैसा कम नहीं दूंगा, तफ्तीशी ने ये डिमांड की कि 1,00,000 रुपये रिश्वत दो, हाँ जी, तो उसने तो पहले बता दें कि इसकी जरूरत वो बेचता है, आप कह दो वो पीता नहीं है, वो बेचता पीता जरूर है मगर बेचता नहीं है, वो बेचता नहीं है वो, हाँ जी, तो वो आप कह रहे हैं कि वो उसकी बेचता है, मैं बुलाऊँ उसको, मैंने फिर उससे बात आपको बताया, तो फिर मैं आके उसके पास बैठ गया। मतलब आप बता रहे हैं कि ये इतना संगीन मामला है, मनशियात पीना इस्तेमाल करना या बेचना, और लोग पकड़े भी जाते हैं मनशियात फरोश, और उसकी डीलिंग थाने में किस तरह होती है ये हमें बुजुर्गों ने बताया, हकीकत ये है, ऐसा होता है। मुद्दई के मुताबिक मनशियात फरोशी का सौदा थाने के अंदर होता है, पुलिस मनशियात फरोशों से मिली हुई होती है, पुलिस को इल्म होता है कि कौन मनशियात फरोश है मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या मनशियात ही की वजह से काशिफ को कत्ल किया गया था या मामला था कुछ और? बहरहाल वापस आ जाता है, उसके बाद अब जो ये कत्ल होता है, उस रात का मुझे जरा बताएं बकुआ क्या हुआ, वो कितने दिन से आपसे नहीं मिला था, या आप लोग उस घर में कितने दिन से नहीं गए हुए थे उस रात, वैसे तो शायद कुछ पता ना चलता, जी बिल्कुल पता किसी को कुछ पता नहीं चलना था, अगर वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता, हाँ उस सीसीटीवी कैमरे ने सारी उस रात जो कुछ होता रहा वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों को पता चल गया, अब वो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है, आप जरा बताएं कि उस रात ये क्या हुआ, कितने बजे ये इसके दोस्त यार थे आए या ये कातिल ही थे सारे? ये सब मेरे 2-3 पार्टियां इकट्ठी हो गई, एक जहां से जुआ जीता था, वो आपका जुआ, बेटा जुआ जीता था, हाँ जी जीता था, वो यहीं सराज पार्क में ही, वो कोई कितने कितना जुआ जीता, कम से कम मेरे ख्याल में इतने छोटे मोटे काम में इतनी साल में गोली नहीं मारी जाती, कितने लाखों का रुपए का, वो लाखों रुपए का, लाखों रुपए का जुआ जीता था आपका बेटा, लाख का काम, पैसे उसे मिल गए थे जो जीता था, हाँ जी पैसे भी मिल गए थे उसे, पैसे नहीं मिले, वो कह रहे पैसे देंगे, हमारी कमेटी कौन लोग हैं जहाँ ये जुआ खेला गया जीता, हाँ और वो उसके पैसे नहीं दे रहे, उसकी जगह उसको मैंने सू मिली है किसी से, पता चला ये चक्कर हुआ है चाचा जी, और आप ये कह रहे हैं कि आपके बेटे को चूंकि वो जुआ जीता था
और पैसे नहीं मिले थे और वो पैसों का तकाजा कर रहा था कि मैं सुबह जीता हूँ, मुझे मेरी रकम दो, पैसे दो, और वो पैसे ना देने की वजह से या वो पैसे देना नहीं चाहते थे, आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया। हाँ जी, ये भी ये एक पॉइंट है, ये वजह हो सकती है। ये वजह हो सकती है, मगर दूसरी वजह है कि वो उसके साथ कोई लेन देन होगा अली हसन के साथ। अली हसन? हाँ जी, अली हसन मनशाद फरोश है, चरस बेचता है। उसे सारा इधर इस इलाके में सारा किसी से ही पूछ ले। अच्छा, ये नाजम है ना इधर इकराम भट साहब, हाँ जी, उनसे पूछ ले ये मनशाद फरोश है। बाप के मुताबिक काशिफ ने 15 लाख रुपए का जुआ जीता था। जीती हुई रकम का तकाजा करना काशिफ का जुर्म बन गया। जवारियों ने रकम देने की बजाय उसको कत्ल कर दिया। क्या यही है सच्चाई? उस रोज क्या हुआ था? सीसीटीवी फुटेज में क्या हकीकत सामने आई? वो रसा ने कौन से शक व शुबे का इजहार किया? गौर से देखें। उस रात क्या हुआ है? उस रात की जो वीडियो है वो कब से टाइम कब कितने बजे शुरू होता है जिसमें लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं उस घर में? वो 2:10 पे ना, दोपहर 2:10 शाम, रात को, रात नहीं, उससे पहले शाम 7 बजे भी तो कुछ होता है, या वो सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे। रात 2:10 में क्या होता है? 2:10 पे वो घर से बाहर निकलता है। आपका भाई काशी भट्ट बाहर निकलता है? हाँ जी, ठीक है। वो घर से बाहर निकलता है, उससे पहले उस घर में कोई नहीं आया होता? वो उसके साथ जो था, जो उसका दोस्त होता था ना, ज्यादातर वो उसके साथ था। अच्छा, वो घर के अंदर ही था? घर पे छोड़ के उसको गया है। तो 2:10 हुए थे, वीडियो में हमने देखा है। तो वो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट बाहर आया है, तो फिर वापस आया ना जब, तो बाइक की लाइट मारी दरवाजे पे, तो उसको आवाज़ दिए कि दरवाज़ा खोलो, वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। उसके पहले जो 3:34 3:34 में वापस आ जाता है काशी भट्ट। उसके बाद उससे पहले जो होता है ना, जब जो जाता है बाहर, तो काफ़ी सारे बाइक्स वगैरह पे लड़के आते हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, घर पे नहीं आते, घर पे जो हाँ जी घूमना फिरना शुरू कर, जैसे यूं जैसे रैकिंग कर रहे हैं, रैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो जब वो दरवाजे के अंदर जो लड़का था ना, उस दरवाजा खोलता है, वो कुछ लड़कों को अंदर भी दाखिल कर लेता है काशी के आने से पहले पहले। हाँ जी, ठीक है। तो जब वो आता है ना, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं आता, फिर अंदर का वकूआ अंदर का ही है, क्योंकि अंदर कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ। हाँ, नहीं, वो काशी तो बाहर नहीं आता जी, वो आखिरी दफा उस घर के अंदर गया, उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। वो रात को कत्ल किया या सुबह गया वो बाद की बात है। हाँ जी, लेकिन जो लोग अंदर गए थे वो तो बाहर आए, वो कितने लोग? जब उसकी बाइक निकलती है ना बाहर, उसके बाद 2 बाइक्स अंदर जाती हैं, तो उसके आने से पहले फिर वो बाइक बाहर भी आ जाती है, बाहर भी आ जाती, बस उसके बाद कोई नहीं गया अंदर? उसके बाद कोई नहीं, बाहर काफी सारे कैमरे थे ना, हटके खड़े थे लड़के, बाकी हटके खड़े हो जाते। नहीं, वो सुबह 7:00 पे। हाँ जी, वो कौन लोग हैं जो वहां से निकल रहे हैं? नीली शर्ट वाला लड़का भी है वो कौन? वो मुझे अपने अंदाजे के हिसाब से लगा रहे हैं हम, कि वो पहले तो आराम से जाता है, फिर जब वो वापस जाके दोबारा आता है ना, तो उस टाइम उसको शूट करके आता है। शूट करके आता है, यानी वो लड़का सुबह ही उस घर में दाखिल हुआ शाम को? हाँ जी, सुबह ही उस घर में दाखिल हुआ, और आपको यूं लगता है कि जैसे उसी ने शूट किया? सीसीटीवी फुटेज में ब्लू शर्ट में लड़का नजर आ रहा है, जिसने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है। वो रसा को शक है कि यही लड़का काशिफ को कत्ल करने आया था। मुंह पे ना, जब भी वो 2 बार आया नजर, उसने मुंह पे हैंड रखा है, उसने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि सामने फॉलो ना, कैमरा उसे फॉलो ना करे, चेहरे को फॉलो ना करे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप लोगों को, वो जो लड़का अंदर था, सबसे पहले उसका बताएं, वो आप कह रहे हैं कि आपके भाई का दोस्त था या जो भी था, वो जिसने सबको बुलाया होगा, वो कब निकलता है? किसी ने नहीं बुलाया, हम तो अचानक गए हैं। नहीं, वो लड़का कब बाहर निकलता है? वो नहीं देखा हमने, वो वीडियो में आता ही नहीं, वो बाहर का बाहर निकल जाता है अंधेरे में। घर के अंदर था और वही सबको बुला रहा था, तो उसने भी तो बाहर निकलना था ना, वीडियो में वो क्यों नहीं आया? उन्होंने अंदर उसको काफ़ी बेहोश करने की कोशिश की होगी, तो जब वो थोड़ा बेहोशी के आलम में हो गया ना, तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाता है। अच्छा रुके जरा, माइक दें आप अपने वालिद को। वो एक खातून भी सुबह कितने बजे दाखिल होती, वो क्या माजरा है? हाँ जी, वो ना कोई 7 बजे के बाद उसे बुलाते हैं, उस खातून को। हाँ, वो ले के रक्शे में आती है वो। जब वो रक्शे में आती है, तो हमारे घर से ऐसे जाके ना, जो वो सामने जहाँ कैमरा है ना लगा हुआ, वो उसके नीचे रक्शा खड़ा होता है, वो सामने बिल्कुल निकलती है, और इधर से आके तो सीधे अंदर वो आगे, वो
वो हमें नजर नहीं आ रहे, मगर उसको नजर आ रहे हैं। वो ऐसे जाके अंदर चले जाती है, जब अंदर चले जाती है तो 15 मिनट के बाद वापस आती है और घबराई हुई। उसके हाथ में शॉपर था, जब गई थी तब भी हाथ में शॉपर था। हाँ नहीं, हाँ गई थी, वापस आई तब भी शॉपर नहीं, तब शॉपर नहीं था। जब बाहर आ गई तो घबरा गई थी कि ये क्या, अंदर तो कोई तो और ही हो रहा है। नहीं, वो नर्स आपको लग रही है या किसी ने बताया कि ये नर्स थी? मुझे अपनी उम्र के हिसाब से आपको लगता है अंदाजा है कि ये काम वही करने गई है। क्या करने गई वो? या ये उस टीका लगाएगी उसको नींद का, बेहोश करने का, बेहोश करने का टीका। फिर उसे क्या, ये टीका लगाया मगर या नहीं लगाया, वो कहना फिर आओ अंदर, फिर आओ। वो बाहर गेट में खड़ी है, वो क्या, और फिर नहीं आती, खड़ी खड़ी फिर कहती चलो। वो मेरे चले गई अंदर, जब वो अंदर चले गई है तो फिर 15 मिनट के बाद वापस आई है और वही शापर हाथ में रखा हुआ। और फिर वो जाके रिक्शे में बैठ के चले जाते। वो रिक्शे का नंबर भी हमें मिल सकता है, हाँ जी, उसके अंदर सामने नजर है रिक्शा खड़ा है। तो उसके बाद उसका रिक्शे वाले का पता चलेगा, जहाँ से उसने उठाया उसको तो उसको भी पकड़ लेंगे। रसा के मुताबिक चिंची रक्षा से उतरकर घर की जानिब जाने वाली लड़की नर्स है। इसी लड़की ने काशिफ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। ये खातून फुटेज के मुताबिक 7:54 पर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद 10:14 पर एक नौजवान आता है और बाइक खड़ी करता है। बाइक खड़ी करने के बाद वो घर में दाखिल हो जाता है। तकरीबन 4 मिनट बाद वो घर से बाहर आता है और चला जाता है। ये नौजवान कौन है? अगर काशिफ कत्ल हो चुका था तो ये नौजवान 4 मिनट घर में क्या करता रहा? और अगर काशिफ जिंदा था तो फिर उसको किसने कत्ल किया? इसके बाद यही नौजवान अपने साथ एक और दोस्त को लेकर आता है। फुटेज में उस वक्त 10:39 हुए हैं। आखिर ये नौजवान दोबारा क्यों आए? तकरीबन 1 मिनट बाद वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद बकौल वरसा वो बाइक पर आते हैं और गेट के पास बाइक खड़ी करते हैं और दरवाजे में खड़ी खातून से पूछते हैं कि वो कौन है। आपके बकौल वो खातून है, वो लड़की है या कोई नर्स है? जब वो घर से निकल जाती है, लड़की है, उसके बाद घर से कौन निकलता है? वीडियो में कुछ आ रहा है उसके बाद भी कोई घर से निकलता है? उसके बाद हाँ, उसके बाद वो शूटर निकलता है। शूटर निकलता हाँ, वो आता है उधर से, बाहर से। वो शूटर सारी रात उधर ही रहा था? नहीं, बाहर से आया। मैंने तो बाद में देखा, इसमें जो बाहर इधर से आया पीछे की तरफ से तो अंदर चला गया। ये सुबह गया? हाँ सुबह। उसके बाद? हाँ जी, तो जो अंदर चला गया नर्स के बाद, जब वो अंदर चला गया तो 10-15 मिनट के बाद फिर वो आया तो ऐसे ना ऐसे ऐसे करके तो वो चला गया। जब वो चला गया तो सिर्फ 2 मिनट के बाद फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया सीधा अंदर। और फिर उसने 10-15 मिनट लगाए तो फिर ऐसे हुआ है कि जैसे अंदर से वो कोई झगड़ा हुआ है या उठा है या कोई ऐसा गड़बड़ हुई है कि बाकी ऐसे वो ऐसे घाटी है, लड़खड़ा के बाहर निकला, लड़खड़ा के ऐसे निकला और फिर सीधा हो गया ना, आराम से हो गया, फिर सीधा हो गया चला जाता है। आप लोगों को इतला कब मिलती है? आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं? आप सुबह कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पे? मैं तकरीबन 12 बजे के बाद पहुँचा। किसी ने आपको इतला दी थी कि ये मामला आ गया, आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? नहीं जी, किसी ने नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं खुदा की तरफ से हुआ कि हमारे घर की ना वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उधर हमारी मशीन पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा पड़ी हुई। हाँ जी, बेगम ने कहा वो ले आओ तो इसको सही करवा लेते हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ उधर गया हूँ तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। एक औरत थी, मुंह उसका थोड़ा जला हुआ था, तो वो अपने बेटे बेटा था या बेटी थी गोद में थी, वो दरवाज़े में खड़ी थी। मैंने उसको पूछा तुम कौन हो? कहती है कि मैं काशी नहीं है। मैं कहा काशी नहीं है, तुम बोलो तुम कौन हो? तो फिर उसने मुझे यही कहा कि काशी नहीं है। मैंने कहा काशी हमारा अपना घर है, मेरा भाई है, आप कौन हो? तो कहती है कि पता नहीं, मैं तो वैसे ही खड़ी हूँ, मैं उसका देख रही हूँ कि एक दरवाज़ा खुला है तो मैं अंदर जाके आई हूँ कि कोई आ जाए अंदर, कोई अनजान आदमी ना चले जाए, तो मैं इसलिए खड़ी हूँ। मैं कहा फिर आप जाओ, हम आ गए हैं। अब इतने में अंदर जाता हूँ, अपने बेटे को भेजता हूँ अंदर कमरे में। मैंने कहा जाओ चाचू को देख कर आओ। वो अंदर जाता है तो अंदर से जब अंधेरा होता है ना तो उसको नज़र नहीं आता। मैं उसका कहा सीढ़ियों पर जाओ ऊपर छत पर,
तो औरत खड़ी थी, कहीं कोई चीज़ उस सामान वगैरह ना उठा के ले जाए कोई गई हो भाई का। तो ऊपर जाता है, कहता सीढ़ियों पे तो ताला लगा हुआ है, दरवाज़ों को भी उसी तरह ही ताला लगा हुआ है। तो वापस आता है ना, इतने में ना थोड़ा अंधेरे में थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है मुझे। मैं कमरे के अंदर एक दो कदम अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे पाँव नज़र आते हैं उसके, तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ। मैं कहा भाई, बेटे को बोलता हूँ, मैं कहा यार अंदर पाँव तो उसके अंदर ही लेटा हुआ है, तुम्हें देखा क्यों नहीं ध्यान से। तो उसको फिर जाता है ना जगाने के लिए, तो जब जगाने के लिए जाता है तो हलाता है ना, तो उसके हाथ पे खून और कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो वो भाग के बाहर आता है, कहता पापा ये देखो मेरे हाथ पे खून लग गया, ये कीड़ियाँ भी चढ़ी हुई हैं। हाथ साफ करता है, इतने में मैं सामने दुकान वाले से ना मोबाइल मंगवाता हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था उस वक्त। मैं उसे टॉर्च ऑन करवाता हूँ, अंदर जा कर देखता हूँ तो उसके ना सर में गोली लगी होती है, सर में छेद हुआ है। हाँ जी, तो मैंने फौरन जाके ना नबज उसकी देखी, तो जिस्म ऐसे जैसे ठंडा होके ना अकड़ गया हुआ है। काशिफ अपने घर में कत्ल हो चुका था, कमरे के अंदर खून में लथपथ उसकी लाश मौजूद थी। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि काशिफ को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। आखिर कौन था कातिल और काशिफ को क्यों उतारा गया मौत के घाट? अब मुझे बताएं कि पुलिस ने अभी तक क्या किया है। ये तो एक ये वकुआ होना था, ये हो गया। अब असल चीज़ ये है कि कातिल कौन है और इसे कत्ल क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया? गिरफ्तार तो किया है, मगर वो कहानी दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। क्या पुलिस क्या कह रही है? वो कह रहे हैं जो उधर लड़का रहता था उसको इस्तेमाल करता था, पहले ये बता रहा। और जो जज SP साहब के पास गए हैं तो वो कह रहे हैं, मैं कही अली हसन कौन है उसको पकड़ो। तो कहता जी साहब ने पूछा कि हाँ भाई वो पकड़ा नहीं आपने, जा उसका बेटा मारा गया तो पकड़ा नहीं। कहते हाँ जी उसको पकड़ा, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, तफ्तीशी ने ये बताया है पहले वो रास्ता बनाया, हालांकि वो मनशियात फरोश है, लेकिन अपने अफसर के सामने ये बताया कि प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ जी, बच्चा जानता उसे। और दूसरा ये कहा कि जो उसके साथ रहता था लड़का आपके बेटे के साथ, उसके साथ आपके बेटे ने कुछ गलत किया, कुछ बदफेली की, वो उसने कत्ल कर दिया। उस लड़के को पकड़ लिया पुलिस ने? मेरे ख्याल में उसे पकड़ा या नहीं पकड़ा अभी मैंने देखा नहीं। अगर पुलिस ने उसे पकड़ा है तो उसने को बयान दिया होगा ना कि मेरे साथ ये सब कुछ करता था तो मैंने गुस्से में कत्ल कर दी। तो पकड़ा गया कि नहीं? वो कुछ भी, वो पहले बिके हुए हैं, दो लड़के हैं वो खरीदे हैं तो उसको मारा है। अब वो खातून जो है वो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो खातून कौन थी, लड़की कौन थी, बकौल आके वो नर्स थी और उस ड्रेस में थी, वो किस रिक्शे पे आती है, उस रिक्शा ड्राइवर को पकड़ना ज़रूरी है, उस लड़की को पकड़ना, उसे शामिल तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है कि उसका यहाँ पे क्या मामला था, वो किस नियत से यहाँ पे आई थी। अगर ये इसी तरह मामला था कि मकतूल अपने उस दोस्त के साथ जो कि उम्र में उससे छोटा था बदफेली करता था तो उसने कत्ल कर दिया, तो फिर वो बाकी सारे उस रात क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या करने और वो खातून वो लड़की वहाँ पे क्या करने आई? हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखने वाले। वो पूरी फील्डिंग लगी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं पूरी फील्डिंग लगी हुई है, कितनी दूर तक जहाँ से वो गया है ना काजी पारा तक, यानी कि आधा मील है इधर से, वो आधा मील तक वो आ रहा है, अभी आ गया इधर वो दूसरा बता, हाँ वो गया यहाँ से आ रहा है, और देखो जब वापस आया तो फिर भी वो आमने सामने इधर उधर, यानी कि 20-25 लोग पक्के हैं। वरसा के मुताबिक 15 से 20 लड़के उसकी रेकी कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे काशिफ के कत्ल की साजिश में एक पूरा ग्रोह मुलव्वस है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि निहत्ते काशिफ को कत्ल करने के लिए रेकी की गई और उसे साजिश करके कत्ल किया गया? आप अब पुलिस के पास जाते हैं, जो बात या जो आपको लग रहा है या जो कहानी आपने हमें बताई, आपने ये सारी बातें पुलिस को भी बताई होगी। जी तो हाँ। पुलिस मानती है, वो कहती है कि इस तरह से हुआ होगा, इन जावियों पे पुलिस तफ्तीश करी है या सिर्फ उसी जाविये पे करी है जो पहले आपने बताया? वो कह रही है हमने इतने पकड़े हैं, मैंने कहा कुछ पूछा है, कुछ बताया है, कुछ भी नहीं बताया, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। एक पैसे आपके बेटे के कातिल एक है या ज्यादा है अभी तक नहीं पकड़े गए? कोई भी नहीं। आपको बताया नहीं गया अभी तक? हाँ जी, तो मैंने कहा ये तो ये जो खड़ा है ये अली हसन है, तो वो कह रहे हैं वो तो मांगने वाला, ये तफ्तीशी कह रहे हैं, वो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कहता मांगने वाला, ये तो मांगने वाला दरवाजे पे खड़ा,
वो मांगने वाला पहले इधर गया, फिर वापस आके फिर खड़ा हो गया। तो मांगने वाला है, वो क्या चाहते हैं आप? अब आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा था, चाहते हैं। वो नशे की नज़र हो गया, क्या कहें उसे, उसे लत लग गई, सब कुछ था, लेकिन ज़ाहिर है आपका बेटा था, आपकी औलाद थी, उसे बेहतर भी किया जा सकता था, लेकिन किसी को उसकी जान लेने का हक नहीं है। क्या चाहते हैं आप? एक बुज़ुर्ग जिसके जवान बेटे को कत्ल किया गया हो, वो क्या इंसाफ चाहते हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें इस समय वज़ीर आज़म साहब से, इमरान साहब से हम इल्तिजा करते हैं कि देखो ये जो ये बेचते हैं ये लोग, यही लोगों को मारते हैं, यही लोगों को जुआ खिलाते हैं, यही जुर्म करते हैं, और थानेदार ये सब मिले हुए हैं इसमें। मैंने कोई भी मैं उधर पैसे बांट के आया हूँ जी, मैंने कोई कानून नहीं देखा, कोई बात नहीं है उनमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सच्चाई सामने लाने के लिए। जिसको देखो इतना मुंह खोला हुआ है, वो मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो भी लेके जा रहे थे। मैंने कहा इसको छोड़ो, इसको क्यों ले जा रहे हो, इसने क्या जुर्म किया? वैसे तो आपको अपने बेटे को वापस लाना चाहिए था। उसे चार दिन अंदर रहता तो शायद उसकी वो जो लत थी नशे की वो भी ख़त्म हो जाती। हाँ जी, चार दिन हवालात की हवा खाता तो शायद सुधर भी जाता। ये मेरा ईमान है, ये मैंने सोचा। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा गलत आपने भी किया उस मौके पे, जो आप उसे पैसे दे के रिश्वत दे के ले आए? रिश्वत उन्होंने ली, रिश्वत आपने दी भी, लेने देने वाला दोनों ही गलत होता है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेटा हवालात में था, बाप जवान बेटे को सुधारना चाहता था, बाप से बेटे की हालत देखी ना गई, इसलिए वो बेटे को हवालात से छुड़वाकर घर ले आया, मगर बाप को नहीं मालूम था कि काशिफ के कातिल घात लगाए बैठे हैं। माँ जी, आप अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमार भी हैं। हाँ, आपके बेटे को पता नहीं था मेरी माँ बीमार है और मैं किस डगर पे किस तरफ चल रहा हूँ, और इसका अंजाम तो खुदा ना खासा इसी तरह का ही होना था। नहीं, मैं तो ना मेरे पाँव पे ना सरासर लग गया था। अच्छा। तो मैं ना अस्पताल में मेरा पाँव खराब हो गया था, उन्हें काट दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैं ना 7-8 महीने होते मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के पास रहती थी, जब मेरा पाँव खराब हो गया ना तो फिर मैं इधर आ गई थी। वो अकेला ही घर में था, मैंने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा था, मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती थी। तो वो अकेला हो गया, अकेला देख के दुश्मनों ने उसको मार दिया। तो समझाती तो होंगी आप उसे कि बेटा नशा ना करो, नशा तो वो कर रहा था, समझाती तो होंगी आप? तो बात क्यों नहीं आता था, मना क्यों नहीं होता था? अब नहीं करता था, बहुत काम करता था, सिगरेट बस पीता था, कुछ नहीं और करता था। तो ना 2-3 दिन के बाद आता था मुझे मिलने के लिए, मेरे पाँव चूमता था, चूमता था। मैं कह बैठ जाओ, मैं हूँ नहीं आना वहाँ। फिर ना 4-5 दिन से नहीं आया था, मेरा दिल घबरा था। मैं कहा मेरा बेटा क्यों नहीं आया, कितने दिन हो गए ने, पता नहीं क्यों नहीं आया। किस मैं छोटे ने भेजा तो देख के आंदा तू जा, मैं हूँ नहीं आना, तो कोई भी नहीं आया। उस रात दुश्मनों ने उन्होंने मार दिता। क्या उस रोज भी नशई उसके घर आते रहे? कहीं ऐसा तो नहीं नशे में धत नशइयों ने काशिफ को उतार दिया हो मौत के घाट? उस रात मल्ले वाले भी सारे 7 बजे का टाइम था, किसी ने देखा नहीं मोटरसाइकिल आ रही है, दरवाजा क्यों खुला है, हम जाके देखे किसी ने। और जब गोली चली तो किसी को आवाज नहीं गई? आई होगी, लोग किसी ने बताया ही नहीं, बताया नहीं किसी ने, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जानते थे सब लोग मगर उन्होंने नहीं बताया, पता नहीं किस वजह से नहीं बताया उन्होंने। क्या चाहती हैं बाप? हम इंसाफ चाहते हैं, अपने कातलों को पकड़ना चाहते हैं, मेरे बेटे के जो कातल हैं हम उसको नहीं छोड़ना। मीडिया पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं, आप इंसाफ हमें दिलाना, आप इंसाफ चाहते हैं, मेरे बेटे के कातल पकड़े जाएं और उनको सजा मिले। बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे का इंसाफ मांग रही है, बूढ़ा बाप पुलिस से बदजन नजर आता है। गौर से सुनिए बूढ़े बाप ने क्या हकायक बयान किए। देखें ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ है कि जो मुझे पता चला ना कि जिसने मारा है ना उसको सजा ना मिली, तो फिर एक और जुर्म होगा मेरी तरफ से। इंशाल्लाह मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे सब कुछ पता है, थोड़ा पता है, लेकिन मैं हुकूमत पे छोड़ता हूँ, वीर अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये हमारा इंसाफ करके दें, हमें चोरों से बचाएं,
ये सब तरफ चोर फैले हुए हैं, ये नशे ही फैले हुए हैं और हर बच्चे अच्छे बच्चे को भी नशे ही बना रहे हैं। ये माफ़ करना, ये मैं ऐसा ना करूँगा तो फिर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये मेरे पास यही चीज़ है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं मर जाऊँगा। मैं दिल का मरीज हूँ, कल मरा हूँ आज मरूँगा, लेकिन जिन्होंने मेरे बच्चे को बर्बाद किया है, एक साल के अंदर उधर मीटिंग मनाती रहते, एक बंदा लाजमी उधर होता था, वो है अली हसन, उसने वो है थाने का, वो थानेदार और सारे इसके साथ हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे ये तसल्ली भी नहीं दे रहे। मैं जाता हूँ वो और ही कहानी बता के इधर उधर कर देते हैं, तो मैं चुपका से आ जाता हूँ, लेकिन मैं अब उस थाने से अपना मुकदमा उठाने वाला हूँ और मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा जिधर मेरा दिल करेगा। मैं इसके ऐसे नहीं, ये सारा डेरा बिका हुआ है पूरे का पूरा, सदरे का ठाना, मेरे साथ कोई नहीं। इधर मैं रोटी देने जाता हूँ तो पुलिस वाला खड़ा है बाहर, कहता ये 500 रुपया दो, 100 रुपया दो तो फिर अंदर जाने दूंगा। हाँ जी, अंदर में जो खड़ा है वो कहते मैं वो दरख्वास्त बना के दूंगा, पहले 10,000 रुपया दो, मैं आगे वो कागज़ पहुँचाऊँगा, पहले मुझे 5,000 रुपया दो। मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, पहली बार जब मैं थाने गया हूँ तो मैं अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, मैं तो मिशन शुरू किया था जब ये यहाँ रहते थे ना, ये मैंने कहा इसके छुड़ाऊँगा, मैं खुदा से वादा किया, मैं अल्लाह मैंने इसे छुड़ाना है। कोई भी बाप अपने बेटे को नशे की लत नहीं लगने देना चाहता। बूढ़े बाप ने अपना जवान बेटा खोया है। बाप के मुताबिक पुलिस के रवैये और रिश्वत के मुतालबों ने उसको तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में बूढ़ा बाप किस पर करे यकीन, किससे मांगे इंसाफ। इसी के साथ ही मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।